मोहम्मद मुस्तफा कहिए सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद मुस्तफा कहिए या अहमद मुजतबा कहिए। अरे खुदा के बाद बस वो है फिर इसके बाद क्या कहिए। और जब उनका जिक्र हो तो दुनिया सरापा गौश बन जाए। अरे जब उनका नाम आए तो मरहबा सल्लल्लाह कहिए। और शरीयत में जो साबित है, हाँ शरीयत में जो साबित है कि खातमुल अंबिया कहिए। अरे मोहब्बत का ये तकादा है कि महबूब खुदा कहिए। हर किस्म दी हमदो सना अल्लाह जल्ल शानहु दी जाते अक्दस वास्ते है। दरुद व सलाम आकाए कायनात सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमाम आजम इमाम कायनात इमामुल मुरसलीन इमामुल मुजाहिदीन सैयदना जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम दी जाति अक्दस व अतहरो आला और बाला वास्ते है। हजरत ज़िवाकार जिस तरह मेरे महबूब अलैहि सलातु व सलाम दी अजमत शान मकाम रिफअत और बुलंदी मेरे पैगंबर अलैहि सलातु व सलाम दी पूरी कायनात नालों आला और बाला है। और जिवे असी आप दी अजमत दे कायल हा आप दी शान दे कायल हा असी आप दी अजमत नु लाजिम और मलजूम समझने हा एवें साडे नबी पाक अलैहि सलातु व सलाम दा सानू अदब एहतराम भी करना साडे ते लाजिम और मलजूम है। हर मुसलमान हर इंसान ते कलमा गो ते आपदा एहतराम जरूरी है। और ये भी जरूरी है कि जेड़ा दुनिया का कोई बगैरत ते कुत्ता उठ के खड़ा हो जाता है जिदी कोई हसीयत ते औकात नहीं अपनी गंदी जबान विचों उठ के कदी कोई आदमी खड़ा होता है कदी कोई लड़का खड़ा हो जाता है कदी कोई लानती औरत खड़ी हो के मेरे पैगंबर की गुस्ताखी विच ना सेबा जबान विचों जुमले इस्तेमाल करते ने एवं मेरा और तुहाडा हक बनता है जिहड़ी जबान भौंके पैगंबर अली सलातु वसलाम की गुस्ताखी के अंदर सानू चाहिए उदी जबान फड़ के कुत्ती चो कढ़ के कुत्तिया के पा दे। कैसा दौर आ गया है कि नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम दी तोहीन दे अंदर सरकार दी अजमत इस कदर ज्यादा और आप दी गुस्ताखी दे अंदर कदी को इंडिया तो कुत्ती खड़ी खड़ी हो जाती है कदी को अमेरिका तो खड़ा हो जाता है ते कदी कोई किस इलाके चो खड़ा हो जाता है
यार सारे ये वादा करो कि जेड़ा नबी पाक दी गुस्ताखी करे असी आप दी शान ते अजमत ते रिफत ते बुलंदी और आप दी अजमत नू लेके बाजारा विच और सड़का ते निकल के असी एहतजाज रिकॉर्ड भी करवाने ते असी इना बगैरता ते कुत्तियां नू दसना वे के पैगंबर दी अजमत इतनी ज्यादा है कोई आसमान बल्ले नजर उठा के थुकना चाहे वो मुड़ के ओदे ऊपर ही गिरेगी। मेरे पैगंबर दी अजमत आज भी बुलंद है, कल भी बुलंद रहेगी, कयामत तक, कयामत तो बाद और आज तो 1400 साल मेरे पैगंबर इस कायनात के अंदर तशरीफ ले करके आए ने, ओ तो भी अजमत बुलंद भौंकन वाले भौंकते रह गए, वो मर गए, खप गए, सड़ गए और कत्ल हो गए ने, उन्हां दी जबान होर गंदी पलीत होती रही। मेरे पैगंबर दी अजमत इत्थे भी बुलंद दे, मक्के विच भी बुलंद, मदीने विच भी बुलंद और मेरे पैगंबर अपने रोजे अनवर दे अंदर आराम फरमा रहे ने, ओथे भी बुलंद दे, इंशाल्लाह साडे सीनिया विच भी बुलंद है। आइए तवज्जो कीजिए, गौर कीजिए, मेरी दुआ है मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह मेरे समेत सानू सारियां नू उदे ते अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। इब्तदा दे अंदर मैं तुहाडे सामने नबी पाक दे अदब एहतराम दे हवाले दे नाल गुजारिशात करागा और एंड ते दो वाकयात दसने ने और मेरा पैगाम पहुंचाओ ऐसे गुस्ताखा तक के जेड़े मेरे पैगंबर दी अजमत नू जानते कोई नहीं, शान नू जानते कोई नहीं, गुस्ताखे रसूल दा अंजाम दसागा। आइए तवज्जो कीजिए, गौर कीजिए, मेरी दुआ है मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह मेरे समेत सानू सारियां नू उदे ते अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जाना नबी मोहम्मद मत सुसना पवो, गर्मी बड़ी है शिद्दत दी मैं समझ ना वाग, पर यार जदों नबी पाक दी नमूस दा मसला है, अल्लाह दे पैगंबर दी हुरमत दा मसला है, आज मेरा ते तुहाडा खून गर्म क्यों हो गया? साडे महबूब पैगंबर दे बारे जिदी कोई औकात कोई नहीं, ओ उठ के खड़िया हो के मेरे पैगंबर दे बारे बकवास करे। वीर सोनिया ना 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 पिछले तो पिछले जुमे दे अंदर है नबी पाक दी मोहब्बत दे हवाले दे नाल जिक्र कीता वे, मैं वेखना ही है मेरा रब सानू वेंदा पिया है, इत्थे फरिश्ते बैठे ने, जरा मोहब्बत दा सबूत दियो, प्यार दा सबूत दियो ताकि गैर मुसलमान नू पता चल जाए मुसलमाना दे अंदर कलमे दी हुब बड़ी ज्यादा मौजूद है, मुसलमान दे दिला दे अंदर आका दी मोहब्बत मौदत बड़ी दियां दा मौजूद है। हबीबे किबरिया जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन मेरे पैगंबर तशरीफ फरमाने इंज करके सहाबा इकराम दा मजमा लगिया होए, मैं कुर्बान जावा मेरे पैगंबर दे दीवाने ते मस्त ते जाना भरन वाले बैठे हुए ने। हजरत ज़िवाकार इस मजलिस के अंदर मुनाफिक ते काफर भी बैठे हुए ने, हर दौर अंदर हर जनाबे वाला वक्त अंदर काफर ते गैर मुसलमान की साजिश होंदी है। अल्लाह अल्लाह दीन इस्लाम नु मिटाया जाए, अज गैर मुसलम ते लफ्ज बोल के मेरे ते तुहाडे दिलां नु चेक पिया कर दावे के मुसलमाना दे दिला दे अंदर अल्लाह दे नबी दा एहतराम किन्ना वे,
अल्लाह दे पैगंबर दी मोहब्बत कितनी ज्यादा वे। उस दौर अंदर भी गैर मुस्लिम मौजूद सन जेडे कंज करके मुसलमाना नू चेक कर दे हर दिन इस्लाम दियां जड़ां नू खोखला करना चाहते ने। अल्लाह अल्लाह ते मेरे पैगंबर दे सहाबा मेरे नबी दे कोल बैठे हुए ने। मेरी आका वादो नसीहता पे कर दे ने और वादो नसीहत दे दौरान चंद एक मेरे पैगंबर दे सहाबा कहंदे ने महबूबा सानू इस मसले दी समझ नहीं आई, सानू इस गल दी समझ नहीं आई। अल्लाह दा कुरान बयान कर रही है, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूलू राइना वकूलू ज़ुर्ना वस्माऊ वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम। अल्लाहु अकबर अल्लाह। अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ मेरा सोना पैगंबर आज जिहड़े तुहाडे सहाबा ईमान वाले बैठे ने हर ईमान वालियां नू मुखातब होके कह दियो ला तकूलू राइना। राइना दा माना ए वे के सोनिया साडे वल मुतवज्जे होवो, सोनिया साडे वल शफकत फरमाओ, सोनिया सानू मसला समझाओ। अल्लाह दे पैगंबर दे सहाबा जदों इन्नी गल करिया कर दे अल्लाह जिहड़े मुनाफिक बैठे ने काफर बैठे ने वो जनाबे वाला बोल करके कहंदे ने राइना। लफ्ज़ राइना में या नू नाल ना मिलाया, इना मिला के ते आखिया अल्लाह दे पैगंबर दी तोहीन दे अंदर, अल्लाह दे पैगंबर दी बेअदबी ते बेतराम कर दिया होया। इना लफ्ज़ नू मरोड़िया वे अल्लाह अल्लाह ते कहंदे ने राइना। नाउज़ु बिल्ला अस्तग़फिरुल्लाह। ऐ बकरियां दे चरवाहे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडी गल सुनो, साडे वल मुतवज्जे होवो। मेरे रब नूं इह जुमले इतने ना पसंद लगे ने, अल्लाह ताला ने इस जुमले नूं बदल करके रख दिता वे कि जिहड़ी ज़बान पैगंबर दे बारे मरोड़ करके चले, पैगंबर दा दिल दुखान वास्ते चले, उस जबान ते रब नू लोड़ ही कोई नहीं। उन्हां जुमलियां नू अल्लाह ताला ने बदल छड़िया वे। अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान वालियो ला तकूलू राइना, तुसा राइना भी नहीं बोलना क्योंकि दा उल्टा लफज बना के उल्टा माना बना के काफर मो नबी पाक ते इस्तेमाल कर देने। ऐ सोनिया महबूबा तुहानू किवें बुलाना वे, तुहाडा अदब किवें करना वे, तुहाडा इत्तराम किवें करना वे, तुहाडी इज्जत ते तौकीर किवें करनी है। फरमाया इंज कहना वे उनज़ुरना वस्माऊ, उनज़ुरना वस्माऊ। सोनिया साडे वल नजरे रहमत करके वेखो ते सही, सोनिया साडे वल सोना मुखड़ा करके तको ते सही, सोनिया साडी गल सुनो ते सही, महबूबा सानू गल समझाओ ते सही। और अगे अल्लाह फरमांदे ने जेड़े नबी पाक दी गुस्ताखी करन दे, अल्लाह दे पैगंबर दा अदब ते इत्तराम नहीं करन दे, वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम। ऐसे काफरा वास्ते अल्लाह ताला ने जखन्नम तैयार कीती है, ऐसे काफरा वास्ते अल्लाह ताला ने दर्दनाक किस्म दा अज़ाब रखिया वे। इंडिया दी कुत्ती जड़ी भौंकी है मेरे पैगंबर दे बारे गुस्ताखी कीती है, मेरे पैगंबर दे बारे और मां ऐशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा दे बारे बकवास कीती है। सिद्दीक दी बेटी सिद्दीका दी अज़मत दे अंदर ना ज़ेबा अल्फाज़ इस्तेमाल कीते ने। अल्लाह दी कसम शेख पूरिया भिखी ते रहन वालिया मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है, मेरे ते ज़बान विच जुमले नहीं आते पे के जेड़े उन्हें जुमले म
बादशाह दे बारे मेरे पैगंबर दी इज्जत दे बारे हर मेरे पैगंबर दी बेखुरमती दे मुतालिका इस कमीनी ने जड़े जुमले इस्तेमाल कीते ने मैं जबान ते लियावा ओए तेरी जबान सड़ क्यों ना गई ओए तेरी जबान करके निकल क्यों ना गई जड़े मेरे पैगंबर दे बारे एक कंदियां जबाना चलते ने मेरे पैगंबर कल भी अजमत वाले आज भी अजमत वाले कल कयामत दा दिन होएगा इना काफरां नूं संगलां दे नाल जकड़ करके उल्टियां करके इना दे जिस्मां ते थार करम करम लगा दिते जान दे इना दियां जबानां कालियां करके उल्टियां करके कायनात दा रब जहन्नम दे गड़े दे विच सुट छड़ेगा किवें जुर्रत होवे भाई सोने पैगंबर मेरे लाडले पैगंबर रब ते महबूब नबी ते बारे कोई बकवास करे ते मुसलमान तू चुप करके सुता रवे अल्लाह अकबर महंगाई दा मसला है असी तड़पिए ते पैगंबर दी नमूस ते बारे मसला है असी तड़पिए ना मछली दी तरह तड़पो इन्हां काफरां ने आन आन वाला वक्त जेड़ा वे अगर असी सुते रहे यकीन जानू काफर गालिब हो जान दे मगर इंशाअल्लाह कुरान और हदीस का मसला ये है इंशाअल्लाह कयामत दिया दीवारा तक दीन इस्लाम फैलेगा दीन इस्लाम इंशाअल्लाह बुलंद रहेगा मेरे पैगंबर का नाम इंशाअल्लाह बुलंद रहेगा कहो इंशाअल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह इंज दा अदब करो जिवें मेरे पैगंबर दे सहाबा ने अदब कीता ऐ दूसरी हदीस ते तवज्जो करना हबीबे किबरिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यार मैं केड़ी केड़ी गल करा ते केड़ी केड़ी ना करा मेरी अखां दे सामने एक बड़ा प्यारा मंजर आ गया मैं ते कल किताब अंदर पढ़दा पिया सा अल्लाह अल्लाह नबी पाक दे सहाबा दे अदब करदे करदे ने आ मैं तेरी के इमाम नाल मुलाकात करवा देवा ऐ कौन है हजरत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह तआला अलैह एक दिन अज करके नबी पाक दी हदीस पे पढ़ांदे ने अल्लाह दे पैगंबर दा सोना फरमान पे पढ़ांदे ने सुनिए इतने मैं एक दावत फिकर का जुमला दिवागा मेरे ते तेरे असलाव ते इमाम गुजर गए ने अल्लाह दे कुरान दियां दावत बयान कर दिया नबी पाक दियां हदीसा ते आप ते अमाल बयान कर दिया यार कदी मैं ते तू भी सोचिए कि असी अल्लाह दे पैगंबर दियां हदीसा किनिया को याद कीतियां ने हदीसा याद करनियां और सुनता ती अमल करना अल्लाह ए भी मेरा तेरा हक बनदा वे ऐ तवज्जो करना एक दिन हदीस पढ़ा रहनी अल्लाह दे पैगंबर दी उधर की होया चौंकड़ी मार के तशरीफ फरमाने बैठे हुए ने अल्लाह अकबर शगिर्द सामने बैठे हुए ने ना इधर चल दिया काला ना गा गया सब आ गया वे ओ पैरा ते कोला करके बैठ जांदा वे हजरत इमाम साहब ने डंग मारिया पैरा ते जो डंग मारिया ना अल्लाह यार सानू मक्खी भी वड जाए सानू कीड़ी जनाबे वाला वड जाए अल्लाह अल्लाह सी हिलना शुरू हो जानिया नमाजा छड़ देने कारोबार छड़ देने पर वेखो नबी पाक दे दीवानिया ते मस्तानिया दा की हाल है अल्लाह जानदा जो मैं एक गल पढ़ी ते मेरा ईमान वद गया वे आ वेखो मेरे पैगंबर दा अदब ते तराम ते नमूस दा किवें ख्याल करदे ने मेरे पैगंबर अली सलातो असलाम दे परवानी हजरत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह तआला अलैह ने हदीस पढ़ानी नहीं छड्डी ते सप ने दूजा डंग मारिया तीजा मारिया
क्यों नहीं छड़ी कि अल्लाह दी नबी दी हदीस दी अहमियत ज्यादा वे। मेरे जिस्म दे अंदर दर्द जिन्नी मर्जी ज्यादा हो रही है पर नबी पाक दियां हदीसां दी भी कोई औकात है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। इधरो हदीस मुबारक मुकम्मल होई ते शागिर्द नु आखिया आवे ते से कोई चीज मेनू लड़दी पई है। शागिर्द कहंदे ने असी इमाम साहब नु जदों वेखियां ते साडियां अखियां डुल पईयां ने। हजरत इमाम साहब ते पैर ते कदमां दियों पर हजरत ते दिवाकार साहब ने एक डंग नहीं मारिया, पांच डंग नहीं मारे, दस डंग नहीं टसे, बल्कि सतारा डंग लग गए ने, सतारा डंग लग गए ने। हजरत इमाम साहब नु शागिर्दां ने पूछिया उस्ताद जी हदीस छड्डी भी जा सकती सी, सानू बाद अंदर हदीस पढ़ा देंदे। फरमाते ने अगर मेरी जान दा नजराना भी पेश हो जाता ते नबी पाक दी हदीस ते जान दे दिंदा। भाई मुसलमान आज तेरी किथे मोहब्बत टुर गई है, पता नहीं अलमारी दे के सुकूने ते मोहब्बत छुपा के रखी है। अल्लाह खवाक पर लाइना गर्मियां तो डरना वे, भाई इना कापरा कोलो डरना पिया वे, फिर दस ना दस ना तेरा ईमान किथे टुर गया वे। इस वास्ते आ जा जा हदीस दी इन्नी मोहब्बत ते नबी पाक नाल कितनी मोहब्बत होएगी, आका नाल कितना प्यार होएगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तवज्जो करना, गौर करना जरा, है तो बताओ गियां ने तीसरी बात ते तवज्जो करना है। मैं तुहानू नबी पाक दी बड़ी प्यारी हदीस सुना लगा वा, है तवज्जो करना, गौर करना जरा। हजरात ते दिवाकार मेरे पैगंबर दे सहाबा ने अदब कीता, इहतराम कीता वे, किवें अदब कीता, ऐ तवज्जो करना, गौर करना जरा। हबीबे किबरिया जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पैगंबर दे सहाबी हजरत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु, जानते जे मेरे पैगंबर दे सहाबी केड़े ने? यार बाद बंदे हुंदे ने जिहड़े बोलदे ने ते बड़ी आहिस्ता आहिस्ता बोलदे ने। अल्लाह बाद बंदे हुंदे ने जिहड़े बोलदे आहिस्ता ने मगर इंज लगदा है बड़ी उच्ची आवाज नाल बोलदे ने। कईआं बंदियां दा बुलारा बड़ा उच्चा है, मेरे पैगंबर दे सहाबी अल्लाह दे नबी दे कदमां विच बह के हदीसा सुनन वाले। हजरात ते ज़िवाकार इधरों अल्लाह दे कुरान दियां या करीमा नाज़िल हो गए। ये अल्लाह फरमाते ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ौ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजगरू लहू बिल कौले कजहरी बादिकुम लिबादिन अन तअबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरू। अल्लाहु अकबर। अल्लाह माना किया है, अल्लाह फरमाते ने या अय्युहल्लज़ीना आमनु, है मेरा सोना पैगंबर ईमान वालियां नु कह दियो ला तरफ़ौ अस्वातकुम। फरमाया नबी पाक तो आवाज अपनी उच्ची नहीं करनी, मेरे पैगंबर दा अदब एहतराम किया है। फरमाया जदों बोलना वे तियां अपनियां आवाजा दे अंदर पस्त रखना वे, आवाजा धीमियां धीमियां रखनिया ने। ते जेड़ा बंदा मेरे पैगंबर दे सामने आप अलैहि सलातो असलाम दा अदब ते इहतराम नहीं करेगा। अल्लाह फरमांदे ने पावे कलमा पढ़न वाला मुसलमान क्यों नहीं। फरमाया कायनात दे लोगो अंतअबत अमालुकुम, मैं अल्लाह दे अमला नु बर्बाद कर छड़ागा, ओदे अमाल जाया ते बर्बाद तू जान दे। अज इंडिया दी
लड़की इस औरत ने इस बदसूरत औरत ने जड़ी गल की थी मेरे पैगंबर दे बारे सैयदा हज़रत आयशा दे बारे कायनात दे लोगो असी कम कम इनी आवाज ते उठा सकने अल्लाह अल्लाह मन सबा नबियन फकतलो मन सबा नबियन फकतलो ए जुमला याद करके ले जो दिलो दिमाग दियां तख्तियां ते लिख करके ले जो जेड़ा गुस्ताखे रसूल है मेरे पैगंबर दी नमूस नोट करके ले जो अदब क्या है एहतराम क्या है इज्जत क्या है मन सबा नबियन फकतलो तुसी सारिया बोलना फकतलो मन सबा नबियन ओए सारे बोलो मन सबा नबियन मन सबा नबियन एदा माना क्या के नोट करके ले जो जेड़ा पैगंबर दी गुस्ताखी करेगा महबूब दा एहतराम नहीं करेगा सरेआम पकड़ो फांसी ते चढ़ाओ मैं हुकूमत पाकिस्तान अगे और पूरी दुनिया दे अगे एक गुजारिश करागा जितने वजीर ते मशीर ने हजरात ते जीवाकार इन्हां नूं चाहीदा वे जेड़ा नबी पाक दी खत्मे नबूवत दे बारे मेरे पैगंबर दी असमत ते खवाले दे नाल कायल कोई नहीं उन्हूं पकड़िया जाए पकड़ के उल्टिया करके चौको चरस्तियां दे अंदर कत्ल कर दिता जाए हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु ने तलवार रखी हुंदी सी तलवार क्यों रखी है गुस्ताखे रसूल वास्ते तलवार रखी जेड़ा मेरे पैगंबर दे बारे गुस्ताखी करके जाए जुमले बोल करके जाए हजरत उमर फरमाए करदे सन तलवार उमर दी होएगी गुस्ताखे रसूल दा सर होएगा उमर तन तो जुदा कर देवेगा अल्लाहु अकबर अल्लाह तवज्जो करना गौर करना जरा हबीबे किबरिया जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर दे सहाबा मेरे नबी दी हुरमत दा ख्याल बड़ा करया कर दे ओ यार कितना को ख्याल करया कर दे तवज्जो करना गौर करना जरा हजरत साबत बिन कैस रजी अल्लाह तआला अन्हु जदों आया करीमा एहतराम वाली नादल होइए ना इन्हां दी आवाज वैसे ही उच्ची सी दिल अंदर ख्याल आया पता नहीं मैं अल्लाह दे नबी तो उच्ची आवाज नाल बोलिया वा इंज करके घर विच गए ते दरवाजा खोलिया वे हजरात ते दिवाकार दरवाजा खोल के ते दरवाजा बंद कर दिता वे ते बीबी नूं आखिया इंज करना इस दरवाजे दा बारो ताला लगा दे अल्लाह अकबर अल्लाह क्योंकि अज तो बाद अल्लाह दे नबी दे पिछे मैं नमाज़ां नहीं पढ़नियां अल्लाह अल्लाह क्योंकि कुरान पाक दियां या करीमा ना दलोइए मेरी आवाज वैसे कुदरती तौर ते उच्ची है किते मैं नबी पाक अलैहि सलातो असलाम दा बेअदब ना हो जावा यार किस कदर मेरे पैगंबर दे सहाबा दा अदब ते तराम से मैं कुर्बान जावा दो चार दिन गुजरे ते मेरी आंखां ने नजरां पाईयां ने आका फरमांदे ने मेरा सहाबी हजरत साबत बिन कैस नजर नहीं आंदा पिया सहाबा कहंदे महबूबा साबत बिन कैस ने ते रो रो करके बुरा गाल कर दिता वे अल्लाह अल्लाह ना समझिया वे कि मेरे मुतालिका ये आया करीमा नादल होइए ना अल्लाह अकबर अल्लाह लगैदा मेरे पैगंबर अली सलातो सलाम दे सहाबी इस वास्ते मस्जिद दे अंदर नहीं आए मेरी आका फरमांदे ने जाओ ना चले जाओ जा करके साबत बिन कैस नु बुलाओ ना हजरत साबत बिन कैस रजी अल्लाह तआला नु आए ने मेरी आका फरमांदे ने यार तेरे मुतालिक आया करीमा ते नादल नहीं होए तेरा बुलारा ते वैसे ही उच्चावे तेरी आवाज ते कुदरती तौर ते उच्ची है फरमाया इस अदब ते इहतराम करन दी वजह करके रब नु तेरा नबी पाक दा इहतराम करना है चंगा लगिया वे कल कयामत दा दिन होएगा अल्लाह ताला तेनु अपनी जन्नत दा मेहमान बना छड़ेगा अदब एहतराम बड़ी वड्डी चीज है अल्लाहु अकबर उंज दा अदब कीजिए जिवें मेरे पैगंबर दे जानसार सहाबा अबू बकर उमर उस्मान अली तलहा जुबैर साधु सईद बिलाल खुबैब सहेब मेरे पैगंबर दे सहाबा और सहाबियात ने एहतराम कीता
यार इस तो बढ़ के दलील क्या है? सही बुखारी, तवज्जो करना, गौर करना जरा। मेरी और तुसांदे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर इंज करके सवारी ते सवार हो गए मक्का मुकरमा विचो हिजरत करके मदीना मुनवरा मेरी आका पहुंचे ने ते मैं कुर्बान जावा वा नबी पाक दे सहाबी हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हो तुहाडी किस्मत नु चार चंद लग गए ने सवारी जा करके रुकिए हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हो दी तहलीज दे कोल इंज करके बैठ जांदी ए ते मेरे पैगंबर नीचे उतर गए ने हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हो बड़े खुश होए ने सोने महबूबा मेनू बुला लिया खुंदा अल्लाह दे पैगंबर अज मेनू खुशी चढ़ गई इस्तकबाल कीता मोहब्बत कीती प्यार कीता वे अज करके मेरी आंखां नू अपने घर विच बुलाया वे ते घर विच बिठाया वे हजरत जीवाकार उस दौर दी गल करना पिया जिहड़ा गुरबत दा दौर होया करदा हुण वर्गियां कोठियां ते बिल्डिंगां नहीं सन अज कच्चे जे दो कमरे बने ने इक नीचे कमरा एक ऊपर कमरा बन गया वे अल्लाह अकबर हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हो आप ऊपर वाले कमरे दे अंदर बैठियां करदे नीचे को मेहमान आंदा उनू नीचे बिठाया करदे अल्लाह अकबर पहली रात मेरे पैगंबर ने गुजारी है हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हो दे सीन अंदर ख्याल आया कि अल्लाह दे नबी दा इत्राम मैं किवें करा ऊपर वाली मंजिल दे अंदर मैं ते मेरी बीवी मौजूदा लगदा अल्लाह दे पैगंबर ऊंची वाली मंजिल दे अंदर ठहरन मैं नीचे चला जाना वा आप ऊपर मेरा कदम नहीं खोना चाहिदा आप दी बात दे अंदर भी सब नाल बात आप दी ऊंची है आप दे अदाब दे अंदर आप दा जिस्म भी सब नाल ऊंचा है अल्लाह 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 दे नबी अगे दरख्वास्त पेश कीतीए सोने अल्लाह दे नबी जी तुसी ऊपर आ जाओ असी नीचे रिहायश करने आ मेरी आका फरमाते ने मदीने दे अंदर बड़े बड़े लोग आ करके मेरे नाल मुलाकात करदे ने ऐसा दूसरी मंजिल दे अंदर मुश्किल पेश आएगी अल्लाह अकबर अल्लाह मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जद इन्नी गल कीती है आखर अल्लाह दे पैगंबर दा हुक्म मन्ना हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु वास्ते लाज़िम ते मलज़ूम है हजरत तेजी वकार जरा तवज्जो करे अज गल बड़ी प्यारी है इंज करके रात पहली मेरे पैगंबर ने गुजारी है ते रात दियां तरीकियां दे अंदर हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु सोचते रहने बीवी भी सोचती रही है नीचे अल्लाह दे पैगंबर ने किते ऐसा ना कोवे अल्लाह दे नबी आराम पे करदे ने अल्लाह दे नबी दा चेहरा जिते होवे साडे कदम ना टुर जान किते आप दी बेअदबी ना हो जाए अल्लाह अकबर ओए सारी रात तंज करके बनेरे ते बैठ करके लत्ता नीचे कर लिया ने एक मिनट रात नूं सुते कोई नहीं आराम नहीं कीता अल्लाह दे पैगंबर दे अदब ते तराम दी वजह करके अल्लाह अकबर अल्लाह ए मेरे पैगंबर दे सहाबा दे अंदर मोहब्बत और जनाब अदब ते तराम मौजूद है हजरत ते जीवाकार मैं कलमा पढ़ने वाला तुसी कलमा पढ़ने वाले खुदारा मैं एक गल कर लगा मेरी तवज्जो नाल गल सुनिया जे अज नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बारे आप दी तौहीन दे अंदर कदी कोई उठदा ते खाके छापदा वे कदी कोई बगैरत उठदा वे अल्लाह दे कुरान दी बेहुरमती करदे ने कदी कोई उठदा वे मां ऐशा दे बारे को बकवास करदा वे कदी कोई उठदा वे हजरत सिद्दीक अकबर दे बारे जबान गंदी चलांदा वे यार कदी सोचया वजह क्या है अज मेरे ते तेरे ईमान खोखले हो गए अज मेरी ते तेरी मोहब्बत खोखली हो गई अगर मेरी ते तेरी मोहब्बत सच्ची हुंदी सच्ची हुंदी अज तू
दुनिया तक कोई गंदा उठ करके मेरे पैगंबर अली सलातो असलाम आप दे सहाबा सहाबियां दे बारे ना पौंके। मैं सवाल करना चाहना हजरत जिलाकार एक पैगाम देना चाहना, मेरा पैगाम हर घर तक पहुंचाओ, छड़ दियो जदो कोई इंज दा मसला आवे सुन्नी वहाबी दियो बंदी बरेलवी वाला मसले तो निकल करके निकलो पैगंबर दे बारे पैगंबर दी खुरमत दे बारे पैगंबर दी नमूस दे बारे निकलो आवाज उठाओ और जनाब पैगंबर दा अदब बयान करो पैगंबर दा इत्तराम बयान करो पैगंबर दी तस्वीर बयान करो पैगंबर दा मक्का बयान करो पैगंबर दा मदीना बयान करो पैगंबर दी जन्नत बयान करो पैगंबर दी खलबत बयान करो पैगंबर दा सोना बयान करो। मेरे पैगंबर जन्नत अंदर आला मेरे पैगंबर खलबत अंदर आला मेरे पैगंबर दा चलना आला मेरे पैगंबर दा उठना आला मेरे पैगंबर दा आना आला मेरे पैगंबर दा जाना आला मेरे पैगंबर दा मक्का भी आला मेरे पैगंबर मदीने विच होन मदीना भी आला मेरे पैगंबर दी दस्तार भी आला मेरे पैगंबर दी परवाज भी आला मेरे पैगंबर दी फजर भी आला मेरे पैगंबर दी जहर भी आला मेरे पैगंबर दी असर भी आला मेरे पैगंबर दी शब भी आला मेरे पैगंबर दी तहज्जुद भी आला मेरे पैगंबर दा पसीना भी आला मेरे पैगंबर दी ऐशा भी आला मेरे पैगंबर दे सहाब भी आला मेरे पैगंबर दी सहाबियात भी आला भाई मेरे पैगंबर दा मक्का भी आला मेरे पैगंबर दा सीना भी आला और मेरे पैगंबर अली सलातो असलाम अपने रोज़े अनवर दे अंदर भी अल्लाह ने इत्थे भी आला वहाबिया दे सीने विच भी आला तुहाडे सीनियां विच भी आला ना जनाब नबी पाक अली सलातो असलाम दी मोहब्बत हर इंसान दे दिल विच होनी चाहिए। हजरत ते सिवाकार मेरे पैगंबर दा चेहरा भी आला मेरे पैगंबर दा आसमान वल चेहरा उठाना भी आला मेरे पैगंबर ते लैलू नहार आला मेरे पैगंबर दा सहाबा नाल गुफ्तगू करना भी आला मेरे पैगंबर दा बदर भी आला मेरे पैगंबर दा हुनैन भी आला मेरे पैगंबर दा उहद भी आला मेरे पैगंबर दा बदर भी आला भाई मेरे पैगंबर जलबत विच भी आला खलबत विच भी आला मदीने विच भी आला कल कयामत दा दिन होएगा जदो जन्नत दे गेट खुलन दे मेरे पैगंबर ओथे भी आला होन दे ते हौदे कौसर ते भी मेरे पैगंबर आला होन दे। नबी पाक अलैहि सलातो असलाम दे बारे गल करदे ने इन्हां नूं की पता है कि पैगंबर दी शान क्या है। पूरे दा पूरा कुरान मेरे पैगंबर दी असमत दे अंदर है। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाम नशराक लोको सीना मेरे पीर दा अल्लाम नशराक लोको सीना मेरे पीर दा फत कस्तूरियों पसीना मेरे पीर दा जेड़ी गली गया जेड़ी गली गया सारी गली महका गया चक्का दाओ पीर सारे जग उते छा गया। अल्लाहु अकबर अल्लाह मेरे पैगंबर दी असमत शान भी ज्यादा और मेरे पैगंबर दा अदब ते तराम भी जरूरी है। आओ मैं थोड़े सामने अंड ते दो वाकयात बयान करना चाहना वा परेशान नहीं होना जेड़ा नबी पाक दा गुस्ताख है आप दे सहाबा दी गुस्ताखी कर दावे इंशाअल्लाह रब ने उन्हों आपे ही पुछ लेना वे पर कईयां नूं पुछिया वे तुसी अखबारा भरियां पईयां ने पढ़ दियो। अल्लाहु अकबर अल्लाह जिन्ने नबी पाक दे बारे नज़ीबा इस्तेमाल अल्फाज इस्तेमाल कीते ने उंदे कबर दे अंदर लोकां दी अखां नाल सप वेखे ने उन्हां नूं साडियां लोकां ने वेखिया वे। अल्लाहु अकबर उन्हां दी बर्बादी असीं अपनियां अखां नाल वेखने आ अज जिन्ने गुस्ताखी कीती इंडियां दी इस औरत ने हर जिहड़ा वज़ीर आज़म बनिया फिरदा वे मोदी इनू रब ने मुद्दा करके रखना वे। अल्लाहु अकबर अन करीब तुसी वेखोगे
इंशाल्लाह कुफर जलील हुंदा नजर आएगा। अल्लाह दे फजलो करम ते नाल मैं कोलो गल नहीं करदा पिया। आओ तुहानू नबी पाक दी हदीस सुनाते नवा। हबीबे किबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका तशरीफ फरमाने अबू लहब नबी पाक दा सगा चाचा है, मगर मेरे पैगंबर दी मुखालफत करन वाला, नाउज बिल्ला दी गुस्ताखी करन वाला। हजरत ते जिवाकार तुसा देखे आवे कि अबू लहब ने सारी जिंदगी मेरे पैगंबर नू सताया और एंड ते नतीजा ये निकलिया है कि सगी औलाद भी कम ना आई। मैं ते हदीस के अंदर पढ़ता पिया सी कि ताऊन दी बीमारी लग गई। केड़ी बीमारी? ताऊन दी बीमारी। गल सड़ गया जिसम और इंज करके बेटे करीब नहीं आते कि सानू जरा सीन ना लग जान। आखिर बेटिया ने कबर खोदी, कड़ा खोदिया, विच सुठिया हत्था दे नाल नहीं होर चीजा दे नाल, और सुट के पत्थर मार मार के रजम कर दिता। रब ने दसिया जड़ा नबी पाक दी गुस्ताखी करेगा उदा अंजाम दुनिया ते की होएगा। तवज्जो करना, गौर करना जरा। हबीबे किबरिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी आका तशरीफ फरमाने अबू लहब ने एक तुहीन माजल्लाए कीती है। मेरे पैगंबर दिया दो बेटियां दा निकाह अबू लहब दे दो बेटियां नाल होया, उत्बा और उतैबा दे नाल। इंज करके अबू लहब कहिंदा है, ए मेरे पुत्रो मैं तुहाडे ते खुश ता होवांगा, तुसी अल्लाह दे पैगंबर दे कोल जाके सरेआम नबी पाक दियां बेटियां नूं तलाका दियो। हजे मेरे पैगंबर ने अपनियां बेटियां नूं रुखसत नहीं कीता। ओए तियां वाले बैठियो, बेटियां वाले बैठियो, बंदा घर चीज कुर्बान कर देंदा बेटियां ते बेटियां अगले घर दा समान हुंदा वे। यार बेटियां दी मुहब्बत मापियां दे दिलां दे अंदर बड़ी ज्यादा हुंदी है। अल्लाह अल्लाह ते बेटियां दा दुख मापियां नूं बुढ़ा कर दिया कर दावे, हे बेटियां ते दुख बंदियां नूं चूर कर दिया कर दावे। इधरों सरेआम उतबा ते तैबा गया वे ते आ करके कहंदा है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाय हाय किस जबान विचों मेरे पैगंबर नूं दिल दुख आया, किनियां तकलीफां दित्तियां मक्के दे काफरां ने। कहंदे ने अल्लाह दे नबी जी असी तुहाडियां बेटियां नूं तलाका दे दित्तियां ने। यार असी आम आम बंदे आ, साडियां बेटियां ते धीआं ने। अल्लाह अल्लाह कितना दर्द मापिया दे दिल अंदर हुंदा वे। ते ऐ कौन है मेरे पैगंबर दी जात पाक रहमत लिल आलमीन वाले पैगंबर। अल्लाह अल्लाह मेरे पैगंबर अली सलातो असलाम नूं बड़ा दुख लगया। मेरी आका दियां कमी चूआं सुबह सुगै ने, ओ नबी जिस नबी ते पथराव कीता गया। मेरी आका कदी गुस्से विच नहीं आए, ओ पैगंबर कमर ते उजरियां सुट दित्तियां गईयां। मेरे पैगंबर गुस्से ते आलम अंदर नहीं आए। शेबे अबी तालब दे अंदर इस घाटी दे अंदर मेरी आका ने 3 साल गुजारे ने, मेरे पैगंबर कदी गुस्से विच नहीं आए। मेरी आका नूं नाउज़ बिल्ला ताखिन ते मजनू ते दीवाना आखिया गया। तैब दी बस्ती दे अंदर लखो लुहान कीता गया। मेरी आका कदी गुस्से विच नहीं आए। यार अज जदों धी ते बेटी दा मसला आ गया, मेरी आका इतने गमजदा हो गए, इतने परेशान हो गए ने, हाथ चुक लैने मेरी आका ने। आका फरमांदे ने अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि कल्ब मिनल किलाब। अल्लाह ना पाग कुत्तियां विचो इन्हां बदबख्ता दे उपर अल्लाह सोनिया कोई कुत्ता ते दरिंदा ते शेर मुसल्लत कर दे। इन्हां नूं पता चले कि महबूब नूं नहीं सताना, इन्हां नूं पता चले महबूब नूं तंग नहीं करना, इन्हां नूं पता चले कि महबूब दियां गुस्ताखियां नहीं करनियां। वक्त गुजरिया हालात बीते ने, गुस्ताख रसूल दा अंजाम जरा देखिया जे सुनिया जे। हजरात ते जिवाकार
ਯਾਰ ਇਧਰੋਂ ਮੁਲਕੇ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲ ਉਤਬਾ ਨਾਲ ਗਿਆ ਵੇ ਅੱਲਾ ਤਿਜਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਅਬੂ ਲਹਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਹੈ ਕਾਫਰੇ ਮਗਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਬਦਦੁਆ ਕੀਤੀ ਏ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਹੰਜ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸਰਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਜ ਕਾਫਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਲਾਣਾ ਵੇ ਸੱਜੇ ਕੱਬੇ ਸਾਰਾ ਕਾਫਲਾ ਸੌ ਜਾਇਆ ਜੇ ਹੰਜ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਹੰਜ ਕਰਕੇ ਉਤਬਾ ਨੂੰ ਸੁਲਾਇਆ ਵੇ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਲੋਗੇ ਗੁਸਤਾਖੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਹੈ ਕਦੀ ਕਦੀ ਦਰਿੰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦਰਿੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੰਜ ਗੁਸਤਾਖੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਵੇ ਲੱਭਦਿਆ ਜੰਗਲ ਦਾ ਦਰਿੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਵੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਿਆ ਕਰਦਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਤੇ ਜ਼ਿਵਾਕਾਰ ਸੁੰਘਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਸਤਾਖ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਖੁੰਦਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਏ ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਬਦਬੂਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਰਦਾ ਵੇ ਹੰਜ ਸੁੰਘਦਿਆ ਸੁੰਘਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਗੁਸਤਾਖ ਨੂੰ ਉਤਬਾ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਵੇ ਤੇ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਗੁਸਤਾਖੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਮਰਨਾ ਹੈ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਮਨ ਸਬਾ ਨਬੀਆਂ ਯਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਮਨ ਸਬਾ ਨਬੀਆਂ ਫਕਤਲੂ ਫਕਤਲੂ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੇ ਆਪਣਾ ਮਿਲੇ ਬੇਗਾਨਾ ਮਿਲੇ ਉਸਤਾਦ ਮਿਲੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਮਿਲੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੋ ਮਿਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੇ ਮਿਲੇ ਜੁਮਲਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਦਿਓ ਆਮ ਕਰ ਦਿਓ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੌਕਾਂ ਚੁਰਸਤੀਆਂ ਤੇ ਮਨ ਸਬਾ ਨਬੀਆਂ ਓਏ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਨਮੂਸ ਔਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਬੋਲੋ ਕਾਫਰਾਂ ਤੱਕ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚੇ ਹਿੱਲ ਛਾਲ ਬਦਨ ਕੰਬ ਜਾਏ ਔਰ ਐ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਓਏ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਬੜਾ ਕਹਿੰਨੇ ਆ ਵਹੀ ਪੈ ਰਸੂਲ ਬੜਾ ਕਹਿੰਨੇ ਆ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਰਾਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਇਸ ਕਮਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਬਖਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਉੱਠੇ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਓ ਇਤਜਾਜ ਕਰੋ ਕਮ ਅਸ ਕਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਲਈਏ ਮਨ ਸਬਾ ਨਬੀਆਂ ਓਏ ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਮਨ ਸਬਾ ਨਬੀਆਂ ਮਨ ਸਬਾ ਨਬੀਆਂ ਮਨ ਸਬਾ ਨਬੀਆਂ ਓਏ ਗੁਸਤਾਖੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਛਲਨੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਸਮ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਜਾਗੋ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਗੈਰਤ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਾਫਰ ਸਾਡੇ ਇਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਜਾਗਾਗੇ ਓ ਯਾਰ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਕੌਸਰ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿੱਦੀਕ ਉਮਰ ਹੋਣ ਦੇ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਹੋਣ ਦੇ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਹਸਨੈਨ ਕਰੀਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਓਏ ਕਲਮੇ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਆਖਰੀ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣ ਲਓ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਜ਼ੀਬਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਚਾਹੇ ਮਰਦ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਉਹ ਹਲਾਲ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਉਹ ਪੱਕਾ ਪਿਓਰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਦਲੀਲ ਕੀ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮਨ ਵੱਲ ਓਏ ਡੂਬ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਅਕੀਦਤ ਕਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਲੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਕਾਫਰ ਹੈ ਬਦਬਖਤ ਜਿਹਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਵਲੀਦ
او ولید نامی بندہ اللہ تعالیٰ نے سورہ القلم دے اندر 29ویں پارے دے اندر 10 سیدیاں خصلتہ بیان کی تھی جیدے ویچے ایک خصلتے وی اتلیم بعد ذالک زنیب ادا مانا کیے ترجمہ کیے اے سونیا محبوبا اے ولید نے تواڈا نام لے کے بس نہیں آکھے اللہ دے پیغمبر نعوذ باللہ کاہن تے شاعر نے میرے پیغمبر دے بارے آپ دی ختم نبوت دے بارے انکار کیتا میرے پیغمبر دی بے حرمتی دے اندر یہ الفاظ استعمال کیتے نے اللہ فرماندے نے محبوبا میں تانوں دس دینا وا اے پکا حرام زادہ وے حرامی بندہ وے میرے پیغمبر دے صحابہ جدو یہ گل پھیلائیے دے تک پہنچیے یہ بڑا حیران ہویا بڑا پریشان ہویا رب نے کیویں ذلیل کیتا اور جڑا میرے پیغمبر دی گستاخی کرے گا اور شیخ پوریاں سکی ماں کولو زمانے وچ بدنام ہوئے گا سکیا پراوا وچ بدنام ہوئے گا معاشرہ انہوں قبول نہیں کرے گا کر گیا تے جاگے انج انج کر کے تلوار پھڑیے انج نوک رکھیے جسم تے نیما منو دسنا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک تے سینے پاک تے قرآن نازل فرمایا وے میں مندا تے کوئی نہیں مگر قرآن آیا میں رولا پہ گیا میں حرام زادہ وا نیما دسنا کیا میں تیرا بیٹا کوئی نہیں آئی گھر سنو تے گھر سمجھ اندر آ جان دی گستاخ رسول دا انجام کیا ہے میرے پیغمبر علی صلات و سلام دی گستاخی دا انجام دسنا سچی گل دسنیے فرمایا ہاں ہاں گل سچیے میرا نکاح ہویا شادی ہوئیے 18 سال بچہ نہیں ہویا 18 سال تو بعد میں انج کر کے بدکاری کسے بندے نال کیتیے وچوں تو جمے آوے وچوں تو نکلے آوے وچوں تو حرام خوری والا نکلے آوے اللہ 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 دے قرآن دے اصول دے مطابق نبی پاک دیاں حدیثاں دے مطابق کائنات دے لوگوں پتہ چل گیا جڑا گستاخی کرے گا میرے پیغمبر دے بارے ہر جڑا میرے پیغمبر دے صحابیاں دے بارے انج دیاں گلاں کرے گا ہوندا زمین دے اندر ایک حساب ہوئے گا ہر جاؤ رب کعبہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا شیخ پوریاں اللہ دے قرآن تے یقین رکھن والے ہو میرے پیغمبر دیاں حدیثاں تے یقین رکھن والے ہو گنو اج تو پہلے نبی پاک دے بارے جنہ انج دے کام کیتے نے میں نہیں انگریز نے سرج کیتی ہے باقی سنا دی پیداوار وہ لڑکے تے لڑکیاں ہوئیاں نے وہ بابے ہوئے نے جڑے میرے پیغمبر دے بارے بے حرمتی کر دے نے حضرات دی وقار بڑا مشہور سیر بخاری دا واقعہ ایک بندہ میرے پیغمبر دے کول آ گیا پہلے کافر سی اللہ کلمہ پڑھیا کلمہ پڑھنے تو بعد کائنات دے لوگو میرے پیغمبر دے کول وہی لکھن لگ پیا پے اصل دے اندر ایک سازش دے طور تے آیا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول انہیں وہی لکھدا رہیا کچھ لمحات گزرے نے کچھ دن مکینے گزرے نے ایک کہندا اللہ دے پیغمبر میں تانوں مندا کوئی لینا اعوذ باللہ استغفر اللہ میں تواڈے تے یقین نہیں رکھدا مرتد ہو گیا اللہ مرتد ہوواں وی کلمے دا جناب والا رد کرنا وی ختم نبوت دا انکار کرنا وی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک گستاخی دے اندر معاملات آندے نے اے مرتد ہو گیا تے میرے پیغمبر دے نے گستاخی والے جملے استعمال کیتے نے نعوذ باللہ اللہ دے پیغمبر شاعر نے اللہ دے پیغمبر استغفر اللہ اپنے کول جملے بنا دے نے حضرات وقار انج دیاں گلاں کیتیاں نے اے مر گیا کافرانیاں اپنی اکھاں نال ذلیل ہوندا ویکھیا انج کر کے ٹویا کڈیا قبر کڈیے قبر دے اندر ڈالیا اللہ اکبر
अल्लाह कबर ने अज करके चुक के बार नू सुठ आवे इस हराम जादे नू हरामी बंदे नू जिहड़ा मेरे पैगंबर दे बारे नाज़े बा इस्तेमाल अल्फाज इस्तेमाल करन वाला अल्लाह अकबर इन्हें एक दिन दबिया एक दिन मगरू लाया ते दूजा दिन होया इन्हां काफरां ने रोला पाना शुरू कर दिता वे ईसाइयां ने बोल करके कहंदे ने नबी पाक दे सहाबा ने बदला लिया साडे साथी कोलो मुर्तद जो हो गया वे इन्हां पैरा लगाया दूजे दिन फिर दफन किया फिर मैयत बाहर निकल आईए फिर जनाबे वाला तीजे दिन मैयत बाहर निकल आईए आखिर इन्हां खीर करके बड़ी मुश्किल दे नाल कबर दे अंदर सुठिया आप निकल जाते ने मेरा पैगाम सलाम की ओर तक है ऐ बगैरत औरत मेरे पैगंबर दे बारे सय्यदा आयशा दे बारे कौन आयशा सिद्दीका आयशा मेरी ते तेरी रूहानी मां आयशा कौन आयशा हाफिज़ आयशा कौन आयशा कारी आयशा कौन आयशा मेरे पैगंबर दी जलवत विच रहन वाली आयशा कौन आयशा मेरे पैगंबर दे बिस्तर दी अलावत आयशा अरे कौन आयशा मुफसरा कुरान आयशा अरे कौन आयशा सिद्दीक दी बेटी सिद्दीका आयशा ऐ कौन आयशा ऐ काफर बोल करके ऐ ज़बाना विचो इना खोटा विचो ज़बान बंद करके बैठ जांदा इना कुत्तिया कमीलियां नू की पते मां आयशा दी शान क्या है ऐ मां आयशा दे बारे अज तो 1400 साल पहले मुनाफिक भौंके ने मां आयशा दे बारे तुमतबाजी लगाई है अल्लाह ताला ने मां आयशा दी अज़मत दे अंदर एक कैद नहीं दो ऐतां नहीं चार ऐतां नहीं अल्लाह ताला ने सूरा नूर दे अंदर 18 ऐतां नादल कर छड़ियां ने अल्लाह अकबर अल्लाह ते काफरा दा ठिकाना दुनिया ते भी बुरा ते आखरत अंदर भी बुरा ए कोई ते भी अल्लाह दा कुरान बयान कर दिए काल अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह फरमांदे ने इन्नल्लज़ीना यूज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनकुमुल्लाहु फिद्दुनिया वलआखिरा आ जुमला भी नोट करके ले जाओ लअनकुमुल्लाह आमीन लअनकुमुल्लाह फिद्दुनिया वलआखिरा जेड़ा मेरे पैगंबर नु सताए एक वरी नहीं करोड़ वरी नहीं अरब वरी नहीं खरब वरी नहीं अल्लाह ना तदाद ना कमीनियां ते लानता फटकारा पा दे लअनकुमुल्लाह इन्नल्लज़ीना युग़ज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनकुमुल्लाह फिद्दुनिया वल आखिरा वलकुम अज़ाबुम मुक़ीम दुनिया ते लानता फटकारा ते बेइज्जत होन दे और आखरत अंदर रसवा कुन इन्हां नू नंगिया करके उल्टिया करके इंशाल्लाह जहन्नम अंदर इंज दी फेंटी पवेगी इंज दा मारिया जाएगा इंज दा जलाया जाएगा के इंशाल्लाह हमेशा वास्ते जबान जलती रवेगी सड़ती रवेगी आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।